हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप कोई भी फ़ोटो एडिटिंग जैसी भी करनी हो फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको मूवी का पोस्टर बनाने हैं या कोई फ़ोटो बनाने हैं, गाना का जो पोस्टर होता है वो बनाने हैं, एल्बम फ़ोटो बनाने हैं, कुछ भी बनाना है या फ़ोटो एडिटिंग करना है, जैसे आप डिस्प्ले पर मेरे देख रहे हैं ऐसे कुछ बनाना है, तो आप आसानी से दोस्तों बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उस एप्लीकेशन को बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि अब जब भी मेरा वीडियो डाउनलोड होगा, अपलोड होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और यहां से आपको सर्च करना है पिक्स आर्ट। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको सर्च करना है पिक्स आर्ट। तो जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आपको पिक्स आर्ट डाउनलोड करना है। तो देखिए दोस्तों, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो हम बैक आ जाते हैं। और एक और आपका एप्लीकेशन है, उसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर, देख सकते हैं आ चुका है फर्स्ट में। तो ये दोस्तों दो एप्लीकेशन की ज़रूरत है और दोनों एप्लीकेशन से आप आसानी से कोई भी फ़ोटो एडिटिंग बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी आसानी से कोई भी फ़ोटो एडिटिंग बना सकते हैं, जैसे मूवी का पोस्टर हो या गाना का पोस्टर हो या कोई फ़ोटो हो, आसानी से एडिटिंग कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम डायरेक्ट एक फ़ोटो बना के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्स आर्ट पर क्लिक करेंगे। पिक्स आर्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये मेरा ओपन होगा, तो थोड़ा देर कर रहा है तो वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्लस पे चिन्ह पे क्लिक करना है, तो इस पर प्लस पे चिन्ह पर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको बैकग्राउंड में लेने हैं तो आप आसानी से जाइए डाउनलोड कर लीजिए। जिसका भी बनाना है तो आप जाइए और बैकग्राउंड जाके गूगल में सर्च कीजिए बैकग्राउंड फ़ोटो, और यहाँ से आप ऑल फ़ोटो जहाँ है क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको डायरेक्ट यहाँ रिसेंट पे क्लिक करना है, जिससे आपका जो है आपका मेमोरी कार्ड खुल जाएगा। और गैलरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम गैलरी पर ओके कर लेते हैं, और जो भी हमको फ़ोटो पसंद आ रहा है तो हम डाउनलोड में डाउनलोडेड किए हैं। तो दोस्तों देखते हैं बैकग्राउंड कौन सा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मेरा ये बैकग्राउंड मान लीजिए अच्छा लग रहा है, तो हम यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो दोस्तों कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो दोस्तों ये एक बैकग्राउंड ले चुके हैं और इसी बैकग्राउंड पे हमको लिखना है, फ़ोटो लगाने हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग कुछ बनाते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर का दोस्तों बनाने हैं, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सा ऑप्शंस दिया है, तो एक वीडियो में दो एप्लीकेशन के बारे में उतना नहीं बता सकता हूँ। अगर बोलेंगे तो हम बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग हम वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए इसमें डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कैसे बना पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल सा एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐड फ़ोटो। अगर आप ऐड फ़ोटो पर क्लिक करते हैं तो इसमें आप आसानी से कोई भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। रिसेंट पर क्लिक करेंगे और गैलरी पर क्लिक करेंगे। गैलरी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ गैलरी ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका फ़ोटो जो इरेज किए होंगे, जो इरेजर एप्लीकेशन से आप इरेज किए हैं, उससे जाइए और यहाँ पे आपका इरेजर नाम से होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी फ़ोटो आपको लेने हैं क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना होगा, तो ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों, मेरा जो फ़ोटो था वो यहाँ पर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो फ़ोटो था मेरा जो आ चुका है और बैकग्राउंड भी हट चुका है। उसके बाद दोस्तों इसकी अगर सेटिंग करनी है तो आप यहाँ पे देखिए, क्रॉप दिया है, कटआउट दिया है, एडजस्ट इफेक्ट, तो जो भी आपको करना है। हम थोड़ा सा इफेक्ट पे देखते हैं, तो देखिए कुछ दोस्तों कुछ इस तरह का इफेक्ट है। तो जो भी आपको इफेक्ट लेने हैं आप यहाँ से इफेक्ट ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से नन क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कैंसिल या ओके पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों एडजस्ट पर जाते हैं और हम ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, या कॉन्स्टेंट जो भी अपने अपने अनुसार दोस्तों इसको हमको सेट करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको सेट कर चुके हैं और यहाँ से हम ओके कर देते हैं, साइन पर क्लिक कर देंगे। साइन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये मेरा हो चुका है। जब पूरा ये हो जाएगा तो हम यहाँ साइन पर क्लिक कर देंगे, तो साइन पर क्लिक कर देते हैं।
अब दोस्तों हमको यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे दोस्तों यहाँ पे हमको लिखना है हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हो गया दोस्तों। यहाँ पे कुछ एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2019। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं 2019, फिर एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इन एडवांस हो चुका है यहाँ पे। फिर से दोस्तों यहाँ पे हम साइन पे क्लिक कर देंगे। साइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो था वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसको अपनी आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं, जो जैसा करना है कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको इतना ही में बनाना है तो इसको रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों जाएंगे यहाँ से, आपका फ़ॉन्ट है बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट है यहाँ से, जो भी आपको लेने हैं ले सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा। तो दोस्तों हमको ये वाला बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम इसी को अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसी को अभी अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है यहाँ पे आपका मिल जाएगा कलर का ऑप्शन। अगर कलर बदलने हैं तो बदल सकते हैं, यहाँ स्टोर यानी बाहरी जो कलर है उसका कलर है। तो हम यहाँ पे बाहरी जो है हम रेड ले लेते हैं, यहाँ से स्लाइड करते हैं और हम रेड ले लेते हैं, यहाँ पे हम रेड ले लेते हैं और थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का लग रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम साइन पे, जब सब चीज़ हो जाएगा तो हम साइन पे क्लिक कर देंगे, यस पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हम दोस्तों ये हर चीज़ हो चुका है, बस हमको और कुछ करना नहीं है। अगर चलिए दोस्तों नीचे अपना नाम लिख देते हैं। तो नाम लिखने के लिए सेम प्रोसेस है दोस्तों, जाइए टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे जाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे क्रिएटेड बाय और यहाँ से दोस्तों जो भी आपको चिन देना है चिन दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम अपना लिख दीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे नाम लिख दिए, यहाँ से ओके पे क्लिक कर दिए। तो दोस्तों ये देखिए आपका आ चुका है, तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं। दोस्तों इसका फ़ॉन्ट जैसे उसका चेंज किए हैं वैसे इसका भी फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, आसानी से आप चेंज कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ से फ़ॉन्ट जो भी आपको लेने हैं आप यहाँ से फ़ॉन्ट चुन लीजिए। फ़ॉन्ट चुनने के बाद आपको दोस्तों सिंपल सा सिर्फ ओके करना है। तो दोस्तों हम कोई भी ले लेते हैं, तो दोस्तों हम यही वाला ले लेते हैं और इसको हम स्ट्रोक पे जाते हैं और यहाँ पे कलर जो है कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का है, हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे दोस्तों हो चुका है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ गैलरी पर क्लिक कर दीजिए। गैलरी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपका सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।